क्रिकेटर, राजनेता, शायर, गुलशन गुलशन फूल खिले हैं पंख लगे विकास को, जिसने स्वर्ग ना देखा यारो आके देखे गुजरात को, आके देखे गुजरात। कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू भले ही क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज रहे हो, लेकिन अब वो हरफन मौला खिलाड़ी बन चुके हैं जो हर फील्ड में आसानी से फिट हो जाते हैं। लेकिन पिछले 20 साल में अगर किसी ने सबसे ज्यादा इज्जत कमाई है तो हमारी अध्यक्षा सोनिया जी ने कमाई। चाहे कमेंटेटर का रोल हो या मजे हुए राजनेता का, शायर की भूमिका निभानी हो या फिर कॉमेडियन के मंच पर जज साहब का, ये सरदार हर किरदार में अब असरदार साबित हुआ है और अब सिद्धू की जेल यात्रा भी समाप्त हो गई है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की जेल यात्रा अब खत्म हो चुकी है। सिद्धू ने पटियाला रोडरेज केस में 1 साल की सजा काट ली है। इस खुशी में सिद्धू के समर्थकों ने पटियाला जेल के बाहर ढोल बजाए, शहर में जगह जगह पोस्टर लगा दिए, क्योंकि उनका नेता 1 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ रहा था। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू का कद कितना बड़ा हो चुका है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हाईकमान ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम रद्द कर नेताओं को सिद्धू के स्वागत में पहुंचने के लिए कहा। सजा के दौरान कोई छुट्टी न लेने का नवजोत सिंह सिद्धू को ये बेनिफिट मिल रहा है कि वे 19 मई से 48 दिन पहले रिहा हो रहे हैं। सिद्धू के ट्विटर पेज पर शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई थी। ट्विटर पर लिखा था, वरिष्ठ अधिकारियों ने रिहाई की सूचना दी है। वहीं कैंसर से जूझ रही उनकी पत्नी नवजोत कौर ने सिद्धू की जेल रिहाई से पहले एक भावनात्मक ट्वीट शेयर किया है। बिल्कुल सही, आपका इंतजार किया, आपको बार बार न्याय से वंचित होते हुए देखा। सत्य इतना शक्तिशाली है, लेकिन ये बार बार आपकी परीक्षा लेता है। क्षमा करें, आपका इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि ये चरण 2 का घातक कैंसर है। आज सर्जरी के लिए जा रही हूं। किसी एक को दोष देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान की योजना है। नवजोत कौर का ये ट्वीट काफी वायरल हुआ है और लोगों ने उनसे सहानुभूति जताई है। साल 1988 में नवजोत सिंह सिद्धू पर पटियाला में रहने वाले गुरनाम सिंह को कार पार्किंग विवाद में पीटने का आरोप लगा था, जिसमें गुरनाम सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में 2006 में नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले में दोषी पाया और 3 साल की सजा सुनाई। इस केस की वजह से सिद्धू को सांसद पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट में सिद्धू की ओर से ये केस लड़ा और सिद्धू को जमानत मिल गई। अमृतसर से उपचुनाव जीतने के बाद सिद्धू दोबारा सांसद बने। सिद्धू और जेटली के रिश्ते और भी गहरे हो गए। हालांकि सिद्धू के राजनीतिक करियर पर 1988 के इस केस का साया हमेशा से ही छाया रहा। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू की एक खासियत है, आप उन्हें पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन नजरअंदाज नहीं। बड़े लोगों से मिलने में जरा फासला रखना, दरिया जहां समंदर में मिला। सिद्धू का क्रिकेट करियर जितना बेहतरीन रहा है, राजनीतिक सफर में सिद्धू के नाम कई उपलब्धियां रही हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को 2004 में अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया। सिद्धू ने पहली बार में ही अपने आप को साबित करते हुए 1 लाख से अधिक वोटों से कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुनंदन लाल भाटिया को हराया। साल 2009 के चुनाव में उन्हें फिर से बीजेपी ने अमृतसर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। फिर भी सिद्धू ने कांग्रेस के उम्मीदवार ओपी सैनी को हराकर जीत दर्ज की। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की है जवानी। एक वक्त था जब नवजोत सिंह सिद्धू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ सियासी समीकरण भी बदले। मैं मोदी साहब के लिए कह रहा हूं, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर। अमृतसर लोकसभा सीट से 3 बार की जीत के बावजूद बीजेपी ने साल 2000
2014 के लोकसभा चुनावों में नवजोत सिंह सिद्धू की जगह उनके राजनीतिक गुरु अरुण जेटली को अमृतसर से टिकट दे दिया, जिसकी वजह से सिद्धू नाराज हो गए। ना ही सिद्धू अरुण जेटली के प्रचार के लिए गए। इस चुनाव में अरुण जेटली की कांग्रेस के हाथों हार हुई। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें हरा दिया। सिद्धू की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया, लेकिन फिर भी सिद्धू की नाराजगी कम नहीं हुई। तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। नवजोत सिंह सिद्धू की खासियत कहिए या आदत, वे जिस भी पार्टी में रहे उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ ही बगावत का झंडा बुलंद किया। साल 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और पंजाब में अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। सिद्धू ने अकाली दल को भ्रष्टाचार, केबल माफिया, खनन माफिया, ईश निंदा समेत कई मुद्दों पर जमकर घेरा। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू इस सरकार में मुख्य संसदीय सचिव थीं। अप्रैल 2016 में सिद्धू को राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन उन्होंने 3 महीने बाद इस्तीफा दे दिया। पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत का समर्थन करने का दावा करने वाले सिद्धू ने बीजेपी से ही इस्तीफा दे दिया। वहीं पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने भी CPAC का पद छोड़ दिया। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने सितंबर 2016 में आवाज़े पंजाब नाम से एक अलग पार्टी बनाई। आम आदमी पार्टी के साथ भी इसकी बात चली। बातें तो यहां तक हुई कि आम आदमी पार्टी सिद्धू को पंजाब में अपना चेहरा बना सकती है, लेकिन फिर इन चर्चाओं पर विराम लग गया और कहा गया कि किन्हीं वजहों से सिद्धू और आम आदमी पार्टी में बात नहीं बन पाई और सिद्धू ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए वे उनके मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते। सिद्धू ने कांग्रेस तो ज्वाइन कर ली, लेकिन उनकी बगावत की आदत कांग्रेस में भी आकर बरकरार रही। 2017 में कांग्रेस ने बहुमत के साथ पंजाब में सरकार बनाई और सिद्धू कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन साल 2021 आते आते पंजाब के तत्कालीन CM कैप्टन अमरिंदर से सिद्धू के मतभेद साफ नजर आने लगे। सरकार बनने के कुछ महीने बाद ही सिद्धू ने अमृतसर के मेयर चुनाव पर नाराजगी जताई थी। खबरों के मुताबिक मेयर के चुनाव के लिए सिद्धू को अमृतसर नगर निगम की आम सभा की बैठक में नहीं बुलाया गया, जबकि ये विभाग सिद्धू के मंत्रालय के अधीन था। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच मतभेद की खाई तब और गहरी हो गई जब 2019 में कैप्टन ने कैबिनेट में फेरबदल किया और सिद्धू के विभाग को बिजली विभाग में बदल दिया, जिससे खफा होकर सिद्धू ने बिना विभाग लिए ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू को उस वक्त कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जब वे पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पाकिस्तान गए। नीला सूट और गुलाबी पगड़ी पहने सिद्धू वागा सीमा के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद गए। भारत के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर सिद्धू ने कहा कि वे दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। लाहौर में सिद्धू ने तमाम आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए कहा, मैं अपने मित्र के आमंत्रण पर पाकिस्तान आया हूं। ये बहुत ही खास क्षण है। खिलाड़ी और कलाकार दूरियां मिटा सकते हैं। यहां पाकिस्तानी लोगों के लिए प्यार का संदेश लेकर आया हूं। हिंदुस्तान जीवे, पाकिस्तान जीवे। सिद्धू जब इमरान खान के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने वाले थे तो कैप्टन अमरिंदर ने उन्हें फिर से पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन सिद्धू नहीं माने और वे पाकिस्तान में इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। सिद्धू सिर्फ इमरान खान के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए, बल्कि वे तत्कालीन पाकिस्तानी आर्मी चीफ के गले भी जा लगे, जिसके बाद देश में सियासत में भूचाल आ गया और सिद्धू के खिलाफ एक्शन की मांग होने लगी। बीजेपी ने इसे पुलवामा शहीदों का अपमान बताया, तो वहीं कांग्रेस के लिए सिद्धू का यह कदम डिफेंड करना बेहद मुश्किल हो गया था। पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकियों के किए गए हमले के बाद जब देश भर के लोगों में पड़ोसी मुल्क के लिए गुस्सा था, तो सिद्धू ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे लोग उनके खिलाफ हो गए। सिद्धू ने कहा, क्या कुछ लोगों की वजह से पूरे देश को जिम्मेदार ठहराना सही है? सिद्धू के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी उनका जमकर विरोध हुआ। नतीजा ये हुआ कि कपिल शर्मा के शो में बतौर जज नजर आ रहे सिद्धू की छुट्टी हो गई।
कहते हैं दुनिया में दोनों गए, न माया मिली न राम। ये कहावत पंजाब के दो नेताओं पर सटीक बैठती है। पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों की राहें जुदा हो गई थी। कैप्टन ने कांग्रेस से नाता तोड़कर अलग पार्टी बनाई तो सिद्धू कांग्रेस का हाथ पकड़े रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों का हाल एक जैसा रहा। सिद्धू और कैप्टन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एक वक्त ये दोनों पंजाब कांग्रेस की दो बड़ी धुरी रहे। एक तरफ कैप्टन जो नवजोत सिंह सिद्धू की काबिलियत पर सवाल उठाते रहे, वहीं सिद्धू भी पानी पी पी कर कैप्टन की कैप्टेंसी को लेकर यानी सीएम के रूप में उन्हें नकारते रहे। दोनों के बीच ये लड़ाई पहले से ही देश में कमजोर हो रही कांग्रेस के लिए गर्त में जाने के समान रही। कांग्रेस को पंजाब में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू को अपने विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा दूर नहीं देखा गया। फरवरी 2020 में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने के बाद उन्होंने मार्च में अपना यूट्यूब चैनल जीतेगा पंजाब शुरू किया। इस चैनल के जरिए वे लोगों के साथ पंजाब के ज्वलंत मुद्दों पर जुड़े रहे और वर्तमान में चैनल के 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। सिद्धू कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में कैप्टन अरमिंदर सिंह के धरने में शामिल हुए। उन्हें राहुल गांधी के पंजाब दौरे के दौरान ट्रैक्टर रैली में भी देखा गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू को अपने घर लंच पर बुलाया, जिसके बाद दूरियां कम होती नजर आईं, लेकिन सिद्धू के बागी तेवर फिर भी कम नहीं हुए और उन्होंने ईश निंदा समेत कई मुद्दों पर सरकार को फिर घेरा। पंजाब में जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उस दौरान विधानसभा के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू का रौद्र रूप नजर आया था। साल 2019 में बजट सत्र के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की भयंकर भिड़ंत नजर आई। माहौल इतना गर्मा गया कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई स्थगित कर अकाली दल और बीजेपी विधायकों को नेम्ड कर बाहर भेजना पड़ा। दरअसल जैसे ही तत्कालीन वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बजट पढ़ना शुरू किया, विपक्षी दल के विधायक पुलवामा हमले के सिद्धू के बयान को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उन्होंने पाक सेना प्रमुख और वहां की गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान गोपाल चावला के साथ सिद्धू की तस्वीरें लहराते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सिद्धू बुरी तरह बिफर गए। सिद्धू ने भी खड़े होकर आक्रामक अंदाज में जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर में हालात बेहद खराब हो गए, हाथापाई की नौबत आ गई। बार बार कहने पर भी जब बीजेपी अकाली विधायक शांत नहीं हुए तो स्पीकर ने उन्हें नेम करके बाहर जाने को कहा और सदन की कार्रवाई 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। नवजोत सिंह सिद्धू जब क्रिकेटर थे तो वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ओपनिंग किया करते थे। सिद्धू भारत के लिए 51 टेस्ट और 136 वनडे मैच में खेले। साल 1996 में तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से विवाद काफी चर्चा का विषय में रहा था। सिद्धू इस विवाद के चलते इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस स्वदेश लौट आए। अखबारों में ये खबर पहले पन्ने पर छाई रही। मामले ने तूल लिया तो बीसीसीआई को भी एक्शन में आना पड़ा। बीसीसीआई की अध्यक्षता तब राज सिंह डूंगरपुर किया करते थे। डूंगरपुर ने पूरे प्रकरण पर जांच बैठा दी। वहीं सिद्धू को मुंबई में जांच कमेटी के सक्षम विस्तार से अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि सिद्धू ने बस इतना कहा कि इसमें सारी गलती मेरी है, मैं माफी मांगता हूं और आप जो सजा देंगे वो मुझे स्वीकार है। सिद्धू के बड़े विवादों में एक ये भी है कि जब उन्होंने रसगुल्ले की खातिर टीम इंडिया के गेंदबाज रहे मनोज प्रभाकर को थप्पड़ जड़ दिया। ये वाकया करीब 30 साल पहले 1993 में हुआ था। दरअसल दोनों के बीच झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धू टीम के खिलाड़ियों के लिए रसगुल्ले लेकर आए थे, जबकि प्रभाकर ने कहा कि रसगुल्ले सिद्धू नहीं बल्कि कोई और लेकर आया है। ये कहते हुए प्रभाकर ने सिद्धू को रसगुल्ले खाने से रोका तो सिद्धू ने उन्हें तमाचा जड़ दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने 1981-82 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, लेकिन भारतीय टीम में वो जगह नहीं बना पाए। लेकिन सिद्धू की टीम में साल 1983-84 में वापसी हुई। 19 साल के क्रिकेट करियर में उन्होंने 51 टेस्ट और 136 वनडे मैच खेले थे। फिर साल 1999 में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को अलविदा कह दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल में रहकर भी विवादों में आ गए। उनका अपनी ही बैरक में बंद दूसरे कैदियों से विवाद हो गया। कैदियों ने सिद्धू पर गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया था।
जिसके बाद तीन कैदियों ने जेल अधिकारियों से बैरक बदलने की मांग की थी, फिर उनके बैरक बदल दिए गए थे। दूसरी ओर सिद्धू का कहना था कि साथी कैदियों ने बिना कुछ पूछे उनके कैंटीन कार्ड पर खरीदारी कर ली थी और उन्होंने ऐसा करने से सिर्फ मना किया था। सिद्धू की शख्सियत को कई लोग पसंद करते हैं और उनके जिद्दी स्वभाव और बड़पोलेपन की वजह से नापसंद भी करते हैं। पाकिस्तान जाने के बाद भले ही नवजोत सिंह सिद्धू को आलोचना झेलनी पड़ी हो, लेकिन पंजाब का एक तबका उन्हें करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने की अहम कड़ी मानता है। वहीं बात अगर सिद्धू की खुददारी की करें तो 2018 में उनके बेटे करण सिद्धू को पंजाब सरकार ने सहायक महाधिवक्ता बनाया गया था। नवजोत कौर सिद्धू को वेयर हाउस कॉरपोरेशन चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया था, लेकिन राजनीतिक विरोध के बाद उन्होंने ये पद नहीं लिए। पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसा चेहरा है जिसे कोई पसंद या नापसंद भले ही करे, लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकता।